हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बाहर में बहुत जोर वाली ठंडी है, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी तेज़ ठंडी है मौसम बाहर का एकदम। रात में बारिश बहुत तेज, तो आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो रखा है। पूरे रोड पे गीला ही गीला है और सूरज भगवान इधर निकल चुके हैं, तो जय श्री। बहुत तेज ठंड है। रात को मैंने कपड़े धोए थे, देखिए इसमें भी कपड़े हैं, इसलिए धो लिया था ना, टाइम का नहीं पता, ऐसे करती हूँ। और मशीन में भी कपड़े हैं, देखिए इधर इतने सारे कपड़े हैं। तो मैं 3 दिन से लगा रहा था सब, तो पूजा के मैंने मंदिर के सारे कपड़े धो लिए, सब सूख गए। बस अब मुझे फटाफट से खाना बनाना है और फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करनी है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। आज है नवरात्रि और सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ खाना। जैसे नवरात्रि के पहले दिन तो मैं खाना नहा के बराबर ही बनाती हूँ, जैसे क्योंकि बाबू को खाना होता तो बाबू के बाद में कुछ बना देती पूजा वूजा करने के बाद। लेकिन पापा आए हैं तो मुझे सुबह सुबह खाना बनाना पड़ रहा है। तो मैंने काली मसूर की वो बनाई है, दाल और रोटी सलाद और करेले की भुजिया। तो अभी फिर मैंने गुस्सा किया अपने मम्मी को, बोला क्योंकि तो पूजा का सामान भी लेकर आना है फूल वगैरह, और मुझे तो थोड़ी सी सफाई भी करनी है। मैंने बोला कि आप भी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। और अभी तो नींद में बहुत सारा काम है, ज़्यादा काम देख के ना और भी दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है कितनी जल्दी करो, और पूजा वाले दिन तो बस मुझे ऐसा लगता है लेट ना हो बस, क्योंकि सुबह सुबह टाइम से घर में पूजा हो जाए तो अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है। बट क्या करें, एक हाथ उधर मैंने मशीन में लगा रखा है कपड़े धुलने के लिए, तो बस एक साथ मैं बहुत सारे काम लेके बैठे हुई। उधर प्रेस भी करना है, पोछा भी लगाना है, नीचे वाले रूम में पोछा लगाना। हाँ, अब तो मेरे को मतलब ऊपर भी करना पड़ता है और नीचे वाले में भी करना पड़ता है। पहले तो कम से कम ये था ना कि एक ही रूम है तो अपना एक ही रूम में करते। झटक कैसे क्या ये ऐसे उठा के तुम साइड में रख देना जाकर। तो देखिए कपड़े सूख गए हैं तो मैं निकाल रही हूँ और मैं बाबू को दे रही हूँ। कपड़े रात के सूखे हुए हैं, वो सुबह वाले कपड़े मैंने नहीं लगाए हैं। सुबह इवन इसको निकाल लूँगी तो फिर सुबह वाले जो कपड़े हैं वो धो के दूँगी, मतलब सूखने के लिए दूँगी। तो मैं आज कपड़े भी डालने नहीं गई, बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने एक एक कपड़े करके बाबू को बोल दिया कि जाओ बेटा तुम डाले आओ। तो बाबू गया है कपड़े डालने के लिए छत पे। तो फिर यहाँ पर मैं टीवी पे लगा रही थी भजन, और बाहर से हल्की हल्की सी धूप आ रखी है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी। तो उधर गाने चल रहे थे तो साथ साथ मैं भी गा रही थी, और रोटी भी मुझे बहुत सारी बनानी पड़ेगी, मैं एक साथ ही बना के रख दूँगी अभी के लिए, सुबह के लिए, दोपहर के लिए, ऐसे करके, है ना। कहते हैं ना किसी का गुस्सा किसी पर उतर जाता है, तो मैं सबका गुस्सा मैं बाबू के ऊपर उतार देती हूँ। क्या करूँ, यही बेचारा पिटता रहता है बेड से, क्योंकि कुछ हरकतें भी ऐसी होती हैं और थोड़ी सी मैं इरीटेट भी होती रहती है। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो गई हूँ, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब दिन पे दिन मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई। बाबू के ऊपर तो मैं ज़्यादा ही चिड़चिड़ाती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मेरी आदत सी हो गई है। और इसको नहाने के लिए बोल रखा है, मैंने भी नहाया नहीं है। ये भी मैंने बोला फटाफट सब लोग नहा लो एक एक करके, क्योंकि सबको नहाने में भी टाइम लग जाएगा। तभी उसने बुक्स वगैरह सही करके रखा है। और आप बता नहीं सकते हो, मैं 3 दिन से लगी हुई हूँ एकदम पूरे तरीके से जीओ जान से काम में, और अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये काम मुझे पता है कब ख़त्म होगा, ये पूजा वूजा करने के बाद ही बस लगे रिलैक्स हो गया कि हाँ चलो आज हो गया। और सबसे ज़्यादा रिलैक्स पता है कब लगता है, नौवीं वाले दिन जब हम कंचका वगैरह बिठा लेते हैं ना, उसके बाद तो इतनी थकन होती है ना, इतनी थकन होती है ना, बस अब लगता है कोई सर पे कोई टेंशन नहीं है, कोई भार नहीं है, बस अब एकदम छुट्टी सी हो गई है।
तो इस बार मेरे को दो दो चीज मतलब एक थर्सडे का उदापन भी करना है और कंजका भी बिठानी है, और दोनों नौवीं वाले दिन ही पड़ रहा है, तो फिर से मेरा 2 दिन का व्रत हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, 2 दिन का व्रत हो जाएगा तो माता रानी जैसा शक्ति देंगी लड़ने की। और इधर हस्बैंड शेविंग कर रहे थे, उसके बाद फिर चले गए बाल कटवाने के लिए, तो मतलब और भी लेट होता ही चला गया। मैं इधर 10 घंटे से निकाल रही थी इन लोगों के कपड़े, क्योंकि इन लोगों के कपड़े भी मुझे ही निकाल कर देने हैं, फिर कपड़ों को निकाल कर मुझे प्रेस भी मुझे ही करना है। मतलब सारे काम ना, एक होता है ना कि चलो खुद भी कुछ कर ले, वो नहीं है। तो बहुत देर से मैं एक एक कपड़े ढूंढ रही थी, क्योंकि स्पेस इतना सा ही छोटा सा है, उसमें इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो कुछ कपड़े होते हैं ना जो हम कभी कभी पहनते हैं, वो एकदम नीचे दबाव था। तो मैंने अभी इनकी पैंट निकाली और शर्ट निकाली, अपनी शर्ट को प्रेस करूँगी। ब्लू कलर की शर्ट थी वो निकाली है, और बाबू के भी कपड़े निकाले मैंने, ब्लू कलर की शर्ट और पैंट, और अपने लिए मैंने निकाला है सूट। मैंने सोचा था कि आज साड़ी पहनूंगी, बट मूड नहीं किया पहनने का, इतना काम होता ना। चलो मैंने एक रेड कलर का सूट पे नज़र चली गई मेरी, मैंने कहा चलो लाओ हम सूट ही पहनते हैं आज। तो बस सूट तो निकाल लिया मैंने, अब उस पर सोची थी रेड कलर का सूट है, और उस पर फॉर्म कलर की लहंगी पहनूँ या रेड कलर की लहंगी पहनूँ, क्योंकि उसके नीचे लेस लगी हुई है, वर्क है फॉर्म कलर का। तो फॉर्म कलर की लहंगी है वो थोड़ी सी लूज है, अच्छी नहीं लगती है। मैंने फिर नहीं पहना, फिर मैंने रेड वाले पे ही पहने। फिर यही मैं नीचे इसमें देख रही थी ढूंढ डांड के, तो देखिए मैंने सूट निकाला है रेड कलर का। और कुछ जो कपड़े मैं सोच रही हूँ बहुत दिन के बाद निकले उसको पहन लेती हूँ। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, लहंगी के लिए सोच रही थी चुन्नी के लिए। हाँ फिर मैंने चुन्नी सोचा एक इसके पर की, वो मल्टी कलर की चुन्नी है वो मैंने धुली नहीं है। फिर अब सोच रही हूँ कि तो वो इसके साथ की एक और चुन्नी है, मतलब मल्टी कलर की है, रेड ऑरेंज ग्रीन ऐसे मिक्स टाइप की है, तो वही पहन लेती।